नमस्कार, होम डेकोरेटर देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है साड़ी को फॉल लगाना। वो मैं आपको बताऊंगी कि साड़ी को फॉल कैसे लगाया जाता है। ये देखिए, ये मेरे पास एक सिंथेटिक साड़ी है विथ उसको बॉर्डर लगी हुई है, और ये मैं फॉल लगाऊंगी उसको। ये फॉल जो है वो कॉटन का है। इसके लिए पहले मैंने इसको 2 घंटे पानी में भिगो के रखा था, और उसके बाद इसको सुखा के और प्रेस करके फिर अभी लगाना है मुझे। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साड़ी को जहाँ से फॉल लगाना है, आप देख सकते हो ये उसकी स्टार्टिंग है साड़ी की, शुरुआत वाला। और ये हम साड़ी को थोड़ा सा इस तरह से उल्टा करेंगे। यहाँ से बॉर्डर दी हुई है और यहाँ से हमारी साड़ी शुरुआत होती है साड़ी की। तो मैं इस वाले फॉल को एक बाजू में इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लूँगी, और यहाँ से हम 1.5 वीत छोड़ के फिर हम साड़ी को फॉल लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे देखा, मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है फॉल को, बस हम यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसकी एक बाजू को मैं मशीन पे लगाऊंगी, नीचे वाली जो बाजू है उसको मैं मशीन पे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मोटी लेस लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो मशीन पे लगाएंगे तो कोई हार्म नहीं है इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से 1.5 इस तरह से वीथ छोड़ के फिर यहाँ से फॉल में लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने, आप देख सकते हो, यहाँ पर अरेंजमेंट कर ली है। यहाँ पर मैंने रेड कलर का धागा लगाया है, और नीचे जो बॉबिन है उसमें मैंने ये जो लेस का जो कलर है गोल्डन टाइप, मैंने येलो लिया हुआ है, वो मैंने बॉबिन में भरा हुआ है। अब मैं बॉबिन में लगा के नीचे अरेंज कर देती हूँ उसको, और हम बॉबिन वाला धागा इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से उसको बाहर निकालेंगे और फिर हमारा सिलाई हम चालू कर देंगे। और उसके लिए 1.5 वीथ छोड़ के हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिए। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये जो फॉल है वो थोड़ी सी एक उंगली मेरी इतनी मैंने फोल्ड कर ली है, और मैं यहाँ पर इसको अटैच कर दूँगी। बस मोटी मोटी सिलाई लगाते जाना है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बड़ी सिलाई कर ली है, और ये जब नीचे रहता है ये वाला, तो मतलब सिलाई हमारी एकदम बारीक बारीक आएगी, ऊपर रहेगा तो थोड़ी मोटी मोटी आएगी। इस तरह से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, एकदम अच्छे से फॉल लग गई है। और यहाँ नीचे से मोटी लेस होने के कारण ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये फॉल मशीन पे लगी है। और आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैचिंग कलर हमने लिया है तो कुछ भी दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ से भी हमने ऊपर रेड कलर लिया था, तो यहाँ से रेड कलर दिख रहा है और यहाँ से येलोइश कलर दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब हम बस एक ही साइड इसके ऊपर, मशीन के ऊपर हमने लगा ली है, और ये जो दूसरी बाजू है
ये आप देख सकते हो दूसरी बाजू, इसको हम हाथ से लगाएंगे। तो आप देख सकते हो जहाँ से हमने फॉल लगाना चालू किया था वहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये साड़ी को हम अच्छे से, इसको झोल नहीं आने देना है हमको, इसको अच्छे से इस तरह से हम कर लेंगे। और मैंने सुई में धागा पिरोया है, डबल लिया है मैंने, अच्छे से इसको इस तरह से अच्छे से कर लेंगे। और इसको इस तरह से हम सील लेंगे। अंदर की तरफ हमको बड़े बड़े लेंगे टाके, और जो बाहर के हमारी इधर वाली जो बाजू है साड़ी की, वहाँ पे हमको एकदम थोड़ा सा लेना है सुई में कपड़ा, एकदम ही थोड़ा सा लेना है, ताकि वो टाका दिखाई ना दे, बड़े बड़े नहीं दिखाई दे, एकदम ऐसे छोटा सा हमको लेना है। इस तरह से मैं ये वाली बाजू कंप्लीट कर लूँगी इसकी। यहाँ पे हम एक और गठान लगा देंगे इस तरह से। अब हम इस साड़ी को ऐसा कर लेंगे, क्योंकि हमको ये बाजू सारी जो हमारी खुली बाजू है इधर की फॉल की, इसको हमको लगाना है। अच्छे से इस तरह से कर लेंगे ताकि कुछ भी झोल ना पड़े साड़ी को। मैंने नीचे एक पटिया लिया हुआ है ताकि हमारी साड़ी एकदम स्ट्रेट रहे उसके ऊपर। देखिए इस तरह से हमको अच्छे से उसको स्ट्रेट कर लेना है पहले, नहीं तो साड़ी में, क्योंकि सिंथेटिक साड़ियाँ में झोल आने के बहुत चांसेस रहते हैं। और हमने जैसे आपको बताया था साड़ी के अंदर से लेना है इस तरह से, थोड़ा सा ही लेना है, थोड़े थोड़ा थोड़ा लेते जाना है हमको, ताकि उधर की तरफ से ज़्यादा बड़े टाके न दिखाई दें। एक मैं आपको पास से दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है, ये मैंने साड़ी में सुई डाल रही हूँ, थोड़ा सा पोर्शन मैंने साड़ी का लिया और बाकी का मैंने इस तरह से फॉल का ले लिया। और इस तरह से इसको करते जाना, इसी तरह से मैं ये पूरा जो फॉल है साड़ी में लगाती जाऊंगी। और ध्यान, फॉल लगाते समय बस इस साड़ी को झोल नहीं आए इसका ध्यान रखना है, इसके लिए हमको साड़ी को स्ट्रेट कर लेना है खींच खींच के। और जब धागा खत्म हो जाता है तब हम यहाँ पर एक गठान लगा देंगे और सुई में दूसरा धागा पिरो के हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कि दूसरा धागा मैंने पिरो लिया है, अब हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। और ये जो लास्ट एंड है फॉल का, इसको हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था, इसको बस हम अभी इस तरह से यहाँ पर सिल लेंगे। और यहाँ पे हम उसको बंद कर देंगे एक दो गठान लगा के।
ये देखिए, ये फॉल जो हमने लगाई थी वो एकदम कितना सही तरीके से लग गई है, और कुछ भी झोल नहीं आया इसको, और बहुत अच्छे से ये लग चुकी है, और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से लग जाती है, क्योंकि एक बाजू तो हमने मशीन पे लगा ली थी, वो तो कुछ भी यहाँ पे मोटी लेस होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे भी कुछ भी झोल नहीं आया है सिंथेटिक साड़ी होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने उसको खींच खींच के अच्छे से प्रेस दबा दबा के उसको लगा ली थी इसलिए, और बहुत जल्दी भी हो जाता है ये, और कुछ झोल भी नहीं पड़ा है, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं झोल पड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है उसको बस टच कर दीजिए, और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।